आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, उसके बाद मैंने डाला है जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, और उसके बाद मैंने उबले हुए आलू और उबले हुए कटहल लिया है और इसे मैंने डाल के अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला एक चम्मच हल्दी, नमक, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इसे निकाल लेंगे प्लेट में। फिर मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और उसमें डाला मैंने हरी मिर्च और कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट, इसे भी थोड़े अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फिर जब ये भुना जाए तो फिर मैंने इसमें डाला है भुना हुआ कटहल और आलू। इसे भी 2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाला और आलू कटहल दोनों मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर मैंने इसमें डाला है पानी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसे पानी डालने के बाद मैंने इसे चला लिया। उसके बाद फिर इसको ढक देंगे और ये हमारी कटहल की टेस्टी सब्जी बनके रेडी है। आप भी कम समय में इतना अच्छा आलू कटहल का टेस्टी सब्जी घर पे बना सकते हैं कम मसालों के साथ। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना।